सरकारी पैसा लग नहीं सकता, तो मेरी मैं उसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा। किस तरह का आयोजन किया गया है सिंगल साहब? जायसवाल जी, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा, और इसकी एक विशेष बात यह है कि साहिब सिंह वर्मा जी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। और माने स्वच्छता अभियान आज हमारा 10 साल, 2014 में स्वच्छता अभियान जो चला था, आज उसकी 10वीं वर्षगांठ है। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, लोगों का जब पता लगा कि हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद महोदय आ रहे हैं तो सभी में बहुत उत्साह है, सभी को मिलने आ रहे हैं। हमारे यहाँ के प्रधान रमेश बजाज जी, वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर करके हर भाजपा के कार्यों में अपना योगदान देते हैं। देखिए, अंदर में दिल्ली गड्ढा मुक्त हो जाएगा ऐसा अरविंद केजरीवाल ने और मुख्यमंत्री अतिथि जो हैं वो दावा कर रही हैं, अभियान चला रही हैं। जायसवाल जी, ये जो गड्ढे जो है हमारे हुए क्यों? सबसे पहली बात तो हमारे केजरीवाल जी से ये प्रश्न है, पहले गड्ढे को करना और गैर जिम्मेदाराना तौर तरीके से दिल्ली को चलाना और फिर गड्ढे भरने की एक छोटी सी मलहम लगाना, ये उचित बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार बरसात जो है बहुत ज़्यादा हुई है, इस वजह से सड़कें खराब हुई। माने देश में बारिश का होना ये तो शुभ लक्षण होते हैं, जितने भी शुभ कार्य होते हैं उसमें ये अशुभ बातें करने का इनका जो ध्येय कब खत्म होगा? कोई स्वच्छता अभियान जब हमारा चालू हुआ था उस समय ये कहते हैं कि पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उस पर भी इनका व्यंग रहा। आज 10 सालों में स्वच्छता के प्रति कितनी जागरूकता बढ़ी है, राज्य तो राज्य, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर भी स्वच्छता के बारे में कितने लोग जागरूक हुए, ये आपके सामने है। लगता है कि माहौल बदलने वाला है? माहौल तो बदला हुआ था ही, ये जो है ना अपने किरदारों को लगा करके नई नई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। जनता बहुत समझदार है, और ये जो है 67 सीट और 62 सीट के समर्थन के बाद भी अपने आप को असहाय कहते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इनको पूरा देश इनके नाम लिख दिया जाए और यहाँ से जनता भी हट जाए, ये और इनके किरदार रहें और ये अपने आप सरकार बनाते रहें। जायसवाल जी, 62 सीट की भरपूर समर्थन के बाद भी लोग अपने आप को असहाय कहें, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा बहाना, इससे बड़ी कोई नाटकबाजी कुछ हो नहीं सकती है। मैं फिर भी से उनको कहूँगा, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारी जनता के लिए अच्छा काम करें, उनसे नहीं होता है तो हमें दें, हम इससे अच्छा करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली वालों को काम रोका जाए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, उसके मंत्रियों को जेल में डाला गया। आप लोग वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वालों को काम रोकना चाह रहे थे आप लोग? जायसवाल जी, कैसी बातें करें, जब इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उसके कुछ दिनों के बाद तो ये धरने पर बैठ गए थे। उस समय भी इनका धरने पर बैठने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट कांटों भरी सीट है, कांटे चुभेंगे, दर्द होगा, इसके लिए दूसरे को पर बात ना गिराएं। अपनी असमर्थता, अपनी अपरिपक्वता का ठीकरा किसी और पर ना फोड़ें, कृपया करके दिल्ली के बारे में सोचें, और जल्द ही दिल्ली की जनता इनको जान गई है, अगले चुनाव में परिणाम आपके सामने होगा, अब ये धोखे में जनता नहीं रहेगी। और मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को 25 साल का वनवास जो मिला होता है, ये वनवास हमारे हटवाएं, और चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो, चूँकि नगर निगम आधे अधूरे समर्थन से हम लोग भी काम नहीं कर पाए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।